मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक घर इन दिनों चर्चाओं में है। इस घर में पिछले 4 दिनों से खुद ब खुद आग लग रही है। इससे घर में रखा सामान जल रहा है। हालात ऐसे हैं कि परिवार ने डर के मारे घर का पूरा सामान बाहर निकाल दिया है। और यही नहीं, दिन हो या रात परिवार घर के बाहर ही रहने को मजबूर है, क्योंकि परिवार का कहना है कि उनके घर में हर थोड़ी देर बाद खुद ब खुद कहीं ना कहीं आग लग जाती है और आग लगने की वजह से परिवार डरा और सहमा हुआ है। दरअसल मामला जिले के खिलचीपुर का है। खिलचीपुर की बिहारी कॉलोनी में योगेश मवेड़ा का परिवार रहता है। परिवार में 7 सदस्य हैं। इन दिनों यह परिवार एक अजीब सी दहशत में जी रहा है। बीते गुरुवार से ही उनके घर में कहीं भी कभी भी अचानक से आग लग जाती है। कभी घर की बंद अलमारी, कभी सोफा तो कभी कूलर और कभी टीवी में रहस्यमय तरीके से आग लग रही है। आग के कारण घर के उनमें रखे कपड़े और बिस्तर तक जल चुके हैं। योगेश की पत्नी भूरा भाई आग लगने की घटना से इतनी परेशान है कि फोन लगाकर अपने रिश्तेदार से बोल रही हैं कि यहाँ कब आओगे, जब हम सब मर जाएंगे तब। इतना कहकर भीरा बाई फूट फूट कर रोने लगती हैं। आपको बता दें कि योगेश मवाड़े के परिवार में पत्नी भूरी बाई, बेटा गौतम, बेटी शीतल सहित योगेश की साली सुगन मेवाड़े और उसके 2 बच्चे साथ रहते हैं। नीचे ग्राम पंचायत के सचिव को कमरा उन्होंने किराए पर दे रखा था। गुरुवार शाम 4 बजे से अचानक घर में आगजनी की घटना शुरू हुई। एक स्थान पर आग बुझाने के बाद दूसरी जगह खुद ही आग लग जाती है। अब तक घर में 40 से 50 बार आग लग चुकी है, जिसमें घर की दीवार पर लगी LED टीवी, कूलर, सोफा, अलमारी और सबके कपड़े तक जल चुके हैं। परिवार ने दहशत में आकर अपने घर का बिजली कनेक्शन तक कटवा दिया, लेकिन आग लगना बंद नहीं हुई तो इसे भूत प्रेत का चक्कर मानकर पड़ोसियों से मदद मांगी गई। पड़ोसी ने शुक्रवार को इन्हें एक कमरा खाना बनाने के लिए दे दिया। भूरी बाई ने जैसे ही पड़ोसी के घर के कमरे में अपने घर का कुछ सामान रखा, वैसे ही मकान मालिक के घर में भी आग लगनी शुरू हो गई और उनके घर की साड़ियां तक जल गई, जिसके बाद पड़ोसी ने भी उनका सामान हटाने के लिए बोल दिया। उसके बाद पूरा परिवार घर के बाहर पड़े खाली प्लॉट में रहने को मजबूर है। पूरे घर का सामान, कपड़े सब खुले में यूं ही पड़े हैं। वहीं लोग भूत प्रेत का चक्कर मानकर ओझा और गुनिया को बुला रहे हैं। इस बारे में भूरी बाई ने बताया कि हमारे घर के किसी भी हिस्से में अपने आप आग लग जाती है, जबकि हमने बिजली कनेक्शन तक कटवा दिया था। उसके बाद भी घर में रखे सामान में खुद ब खुद आग लग रही है। 4 दिन में हमारे घर में 40 से 50 बार आग लग चुकी है और आग अभी भी बार बार लग रही है, इसलिए हमने घर का पूरा सामान बाहर निकाल लिया है। भूरी बाई ने रोते हुए बताया कि हमारे पड़ोसी ने हमें एक कमरा रहने के लिए दिया था। जैसे ही उनके घर में हमने अपने घर का सामान रखा तो वहां रखे कपड़ों में आग लग गई। पता नहीं ये क्या हो रहा है, आग कैसे लग रही है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। वहीं पड़ोसी गीता बाई ने बताया कि हमारे पड़ोस में रहने वाले भूरी बाई के घर में कल से ही रखे सामान में आग लग रही है। हमने एक कमरा भूरी बाई को दे दिया था। उन्होंने जैसे ही हमारे घर में अपने घर का सामान रखा, वैसे ही मेरे कपड़ों में भी अपने आप लग गई, जिसे देखकर मेरी बेटी चिल्लाई, आग लग गई, आग लग गई। जिसके बाद हमने पानी डालकर आग बुझाई और फिर हमने उनका सामान अपने घर से निकाल दिया। मेरी भी 2 साड़ियां अब तक जल चुकी हैं। वहीं आग की सूचना पर दमकल वाहन मौके पर पहुंचा था। दमकल ने आग बुझाई थी। आग लगने की सूचना पर हल्का पटवारी जीमतमल दांगी पहुंचे थे और उन्होंने पंचनामा तैयार कर लिया। पटवारी जीमतमल दांगी का कहना है कि योगेश मवाड़े के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है, ऐसा मकान मालिक ने ही मुझे बताया था। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आग लगने की घटना के समय से ही योगेश ने घर की बिजली कटवा दी थी तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। आग लगी घटना के बारे में जब योगेश मवाड़े से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पिछले 4 दिनों से घर के अंदर रखे सामान में अचानक आग लग जाती है। अब हमें शंका है कि किसी ने हमारे घर में तंत्र मंत्र करवा दिया है। हमारा पूरा परिवार बेहद परेशान है। यहाँ तक कि नौबत आ गई है कि हम खुले प्लॉट में अपने घर का सामान रख रहे हैं और वहीं धीरे धीरे अब आग लगनी शुरू हो गई है, जिसके बाद हमने एक तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक को भी बुलाया और फिर तांत्रिक ने जो हमें बताया उसे सुनकर हम हैरान रह गए और हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। तांत्रिकों का कहना है कि हमारे घर में किसी ने अग्निवीर जादू टोना छोड़ रखा है। उस तांत्रिक ने कथित रूप से तंत्र मंत्र से उसका बंदोबस्त कर दिया है।